मध्य प्रदेश में 28 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले कांग्रेस ने दिल्ली में एक बड़ी मीटिंग की जिसमें कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहे। वहीं जब मीडिया कर्मियों ने कांग्रेस नेता दीपक बावरिया से ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह के बीच चल रही लड़ाई को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने क्या जवाब दिया, देखिए। ये झगड़े की बातें भारतीय जनता पार्टी की ओर से फैलाई जाती है। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कि कांग्रेस में विभाजन दिखा के लोगों के मन में कांग्रेस की क्षमता के लिए शंका पैदा करें। ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है और मैं आप सबसे, आप सभी पत्रकार मित्रों से मेरा निवेदन है कि ये भारतीय जनता पार्टी की एक जो सोची समझी साजिश चल रही है उसका जो है मीडिया भी उसका कई प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से उसका हथियार न बने। भले ही कांग्रेस ये कह रही है उनके नेताओं में लड़ाई नहीं हो रही है, लेकिन सच्चाई तो सबको पता चल गई है। SPN9 न्यूज रूम से राहुल की रिपोर्ट।